हाय हेलो नमस्कार मुझे आपको स्वागत करछि बीइंग ए नर्सिंग चैनल को। तो पुणी गोटे सुंदर इंटरेस्टिंग अपडेट भिडियो आज आपको वेलकम करछि। आ आपण माने जानि थिबे हमर बीएससी नर्सिंग रो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपनकर निश्चिंत अगस्त मास लास्ट वीक भितर हे जिबार अछि। तो आम कि गोटे क्लास डिस्कसन कर सारी अलरेडी जोटा कि नर्सिंग आप्टिट्यूड। तो आज भी सही नर्सिंग आप्टिट्यूड पर गोटे मोस्ट इंपोर्टाट एमसीक्यू आम डिस्कसन करवा। आउ जेकोसी टपिक रहा आपजे निजे सेल्फ स्टडी करूँ ना जो भी आपने पढ़ुंट से आपने निश्चित पढ़ूँ ता सहित आपने सेल्फ स्टडी निश्चित करूँ। ठीक अच्छे आज जब आपको भिडियो भल लगे निश्चित आप सांगसाथी सब ग्रुप भिडियो को सेयार करेंगे। आउ हाँ भिडियो को निश्चित गोटे लाइक आ गए आपको भैल्युएबल कमेंट देक जब एपर्तंत जब चैनल को सब्सक्राइब करना जाकि जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आज जब जहाँ भी डाउट अच्छी निश्चित आपने आम व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होकर आमको पचारि पारे। ठीक अच्छे नर्सिंग रिलेटेड जहाँ भी डाउट अच्छी। तो ठीक अच्छे आज इंटरेस्टिंग आम क्लास डिस्कसन करवा जोटा कि रहा नर्सिंग आप्टिट्यूड उपर कि क्वेश्चन आपंपाई भी दुईट क्वेश्चन अच्छे जोटा कि आपको कहबार अच्छी। तो निश्चित पूरा वीडियो को लास्ट जाए देखुंतु यही इंपोर्टाट टपिक आपको नर्सिंग आप्टिट्यूड रू आसवाई जाऊँगी। आपड़ तो जानी सारी आपंकर सिलेबस जोटा कि जमी रहा आपंकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी आउ इंग्लीश आउ आप्टिट्यूड। ठीक अच्छे नर्सिंग आप्टिट्यूड ये पांचटा सिलेबस रू ही आसवाक जाऊँगी। आउ जो सब टपिक रहा आपने निश्चित कभर करूँ सबुजाक सेल्फ स्टडी करूँ। ठीक अच्छे आपको एते हार्ड क्वेश्चन आसो ना किंतु जेहेतु यहाँ आमर फास्ट टाइम हूँ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपने निश्चिंत टिके पढ़ार अच्छे। ठीक अच्छे तो देखा आज इंटरेस्टिंग क्लास रो फास्ट क्वेश्चन देखा आपंपाई कौन अच्छी। देखो नर्सिंग आप्टिट्यूड रो फास्ट क्वेश्चन तो कौन देना ह्वाट इज द मीनिंग ऑफ आपनिया। ठीक अच्छे आपनिया रो माने कौन ये गोटे गोटे टर्म आपको आसो। ठीक अच्छे तो आपनिया माने कौन ये पचारिची। देखो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ना हाई ब्रीदिंग रेट ना आब्सेन्स ऑफ ब्रीदिंग ना लो ब्रीदिंग रेट। तो आपनिया माने ये कौन ये आपको कहबार अच्छी। तो जहाँ को जाना अच्छी तले कमेंट सेक्शन में समस्त कमेंट करने चेष्टा करूँ। ठीक अच्छे तो आपनिया माने कौन ये आपनिया माने हूँ दैट इज आब्सेन्स ऑफ ब्रीदिंग। ठीक अच्छे आब्सेन्स ऑफ ब्रीदिंग ब्रीदिंग कहले आपन जो रेस्पिरेशन नौछंदी सेटा बेले बेले आब्सेन्स हो जाए बा बंद हो जाए ताको हमें आपनिया बोली कहू। टर्म को हमें आपनिया बोली कहता। ठीक अच्छे जोटा कि निश्वास प्रश्वास जो आम नौचे सेटा किछ समय पई बंद हो जाए। ठीक अच्छे से टर्मटा को आम कहू आपनिया। ओके बुझीपारे तो निश्चित देखुता मैं आपको भी कहीदेवी तार इमेज टी भी देखदेवी। देखो ये मेनली देती जोटा कि मे भी किसी प्रोब्लेम जुगुरु आपंकर कौन हो ना बंद हो जो आपंकर रेस्पिरेसनटा से आम आपनिया बोली कहवा। ठीक अच्छे बुझीपारे आपने आउ गोटे कथा आपने देखुए सबुबले मुझे सब क्वेश्चन आपको गोटे गोटे इमेज रखी आपंपाई जोटा कि आपको बहुत इजिली बुझीपारे आ बहुत शीघ्र आप मन रहा। ठीक अच्छे सबुबले से इमेजटा को भी आपने देखुए। ठीक अच्छे तो 2 नंबर क्वेश्चन देखो कौन देती ना फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू। ठीक अच्छे आईसीयू रो फुल फॉर्म कौन आपण माने गोटे नर्सिंग को एंट्री करबा पई जाउछन आउ जीवन रे केबे भी भाबिबे नै कि नर्सिंग गोटे छोटो प्रोफेशन। ठीक अच्छे नर्सिंग रे जॉब पाइबा भी गोटे हेवी माने गोटे सेही भलिया एम नथिले सेही भलिया आपण मानकर हार्ड वर्क नथिले नर्सिंग रे भी आपण माने जॉब पाई परिबेनी कि पढ़ी भी परिबेनी। ठीक अच्छे नर्सिंग होची गोटे गोल्डन प्रोफेशन। तो ए प्रोफेशन को जीवा पई जहां भी आपण को दरकार आपण माने निश्चिंत आपण को मन रे जहां भी आपण को पाखरे जहां भी थिबा दरकार आपण पाखरे से आपण माने से सब जिनसो को रखुथांतु आ नर्सिंग पढ़े पई जाउछन्ती आपण माने जम्मा भी निजु को हेजिटेशन भाबंतु नै गोटे छोट भाबंतु नै कि गोटे छोट प्रोफेशन को मु जाउछे ह्यूज प्रोफेशन नर्सिंग। ओके तो देखिबा कोन देछि ना फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू। आईसीयू रो फुल फॉर्म कोन देखंतु इंटेंसिव केयर यूनिट ना इंटेंसिव कार्डियो यूनिट ना इंटेंसिव कार्बन यूनिट ना इंटेंसिव सेंटर यूनिट। ठीक अच्छे तो आईसीयू रो माने कौन आपण माने देखि थिबे बहुत जगह आपनकर जहाँ भी आपन जोटी रहउचंदी हां मो किछि गोटे पेशेंट जदी अधिक कंडीशन सीरीयस होउची ए आईसीयू रे अछि ए पेशेंट आईसीयू रे अछि ए पिलाटा आईसीयू को शिफ्ट हेइ छि। तो आईसीयू रो माने कौन। ठीक अच्छे आईसीयू रो माने होची इंटेंसिव केयर यूनिट जोटी की अधिक केयर दिया हुए जोटी की पेशेंट जतबे अधिक सीरीयस हो जाए गोटे पेशेंट जतबे पेशेंट फास्ट वार्ड रे थांती। ठीक अच्छे वार्ड रे जोटा कि नॉर्मली वार्ड रे थांती तो तापर जो पेशेंट सीरीयस होती आईसीयू को शिफ्ट होती। तो आईसीयू रो माने कौन ना इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक अच्छे जोटी की सब प्रकार फैसिलिटी थाए जोटी की माने अधिक केयर दि जाए पेशेंट को। ठीक अच्छे तो देखि नियंतु ये दे देछि आईसीयू रो आपनकर इमेज जोटा कि आईसीयू रो देखंतु एते सब बहुत किछि मेसिन थाए बहुत किछि जिनसो आईसीयू रे अवेलेबल थाए। ठीक अच्छे जोटा कि बहुत क्रिटिकल क्रिटिकल यूनिट तक आम कही था। ठीक अच्छे इंटेंसिव केयर यूनिट तार आईसीयू फुल फॉर्म ओके। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नुँ 3 नंबर कौन क्वेश्चन कौन देती द नॉर्मल फॉर एज ठीक अच्छे। तो आम ह्यूमन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर केते 98.2 डिग्री फारेनहाइट 90.9 डिग्री फारेनहाइट ना 99.2 डिग्री फारेनहाइट। तो ये फारेनहाइट रे आपनको देइची तो फारेनहाइट रे केते होबर राइट आंसर ये आपको कहबार अछि। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपनकर केते मन रखंतु जदि मन नाही दैट इज 98.6 डिग्री फारेनहाइट दैट इज नॉर्मली हमर 98.6 डिग्री फारेनहाइट को आमे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हिसाब रे नै थाउ बुझि परछोंदी। जदि ये सेल्सियस रे देइतांदा ये फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट रे देइची बोली फारेनहाइट डिग्री रे देइची बोली आपण माने कहले 98.6 जदि ये डिग्री सेल्सियस रे देइतांदा आपण माने एटी केते कहितांदे दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस ओके 37 डिग्री सेल्सियस और आमर कौन दैट इज 98.6 डिग्री फारेनहाइट बुझिपारे यदि सेल्सियस रे देइतांदा आपन 37.6 हेतांदा ओके सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस हेतांदा सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस हेतांदा जदि आपन सेल्सियस रे देइतांदा ओके। तो बुझिपारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जोटा कि मु कहली दैट इज 98.6 डिग्री जोटा कि आपन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो 4 नंबर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स हाउ मच एनर्जी ठीक अछि। तो गोटे 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन रे ठीक अछि 1 ग्राम प्रोटीन रे हमको केते परिमाण रो एनर्जी मिलिबो ए ठीक अछि एटा एनर्जी ओके। तो केते परिमाण रो हमको गोटे ग्राम प्रोटीन रे मिलिबो 4 कैलोरी मिलिबो ना 6 कैलोरी मिलिबो ना 9 कैलोरी मिलिबो ना 12 कैलोरी मिलिबो। तो केते कैलोरी आमको एनर्जी मिलिबो गोटे ग्राम प्रोटीन रे। तो मन रखंतु गोटे ग्राम प्रोटीन रे आमको केते कैलोरी मिलिबो दैट इज आपन को राइट आंसर ऑप्शन ए दैट इज 4 कैलोरी ठीक अछि 4 कैलोरी गोटे ग्राम प्रोटीन रे आमको मिलिबो ओके। आ मन रखंतु जो रहा 1 ग्राम प्रोटीन रे हमको जति की एनर्जी मिलिबो सेति की परिमाण रो मध्य मिलिबो कोर्थ रे दैट इज कार्बोहाइड्रेट रे ओके। कार्बोहाइड्रेट रे भी सही 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रे भी हमको सही 4 कैलोरी मिलिबो एनर्जी ठीक अछि। किंतु हमर फैट रे मिलिबो केते फैट रे मिलिबो आपनकर 9 कैलोरी ओके जोटा कि हमर प्रोटीन आउ आपनकर जो रहिला मु कहली कोन कार्बोहाइड्रेट ए दिटारे सेम मिलिबो जोटा कि 4 किलो कैलोरी किंतु फैट रे मिलिबो 9 किलो कैलोरी ओके बुझी पारले। तो ये आपर निश्चिंत इमेज टी दे देखो प्रोटीन जोटा कि आपने जो पाइबे जोटा कि आम 4 कैलोरी पाइबा प्रोटीन रे कार्बोहाइड्रेट रे फैट रे पाइबा 9 कैलोरी पर ग्राम ठीक अच्छे बुझीपारे। तो ठीक अच्छे एवं नेक्स्ट जीवा 5 नंबर देखो ये आपको कहबार अच्छी देखा यहाँ के राइट आंसर जना अच्छी ये क्वेश्चन आपको निश्चिंत आसो ठीक अच्छे कौन दे देखो फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस। तो ओआरएस आपण माने देखिथिबे ओआरएस पैकेट भी देखिथिबे ओआरएस कोन पई दिया होय भी जानिथिबे कोन पई दे होय जेतोले डायरिया होय बा केतोले भी आपनकर बॉडी रे वॉल्यूम लॉस होउची बा आपण माने अधिक परिमाण रे डायरिया होउची डायरियल स्टूल होउची कि अधिया थरा आपण माने लैटिन पास करछंती सेति पई आपण को कोन होय ना ओआरएस दिया जाय ठीक अछि। तो ओआरएस रो फुल फॉर्म कोन एटी आपण को कहबार अछि ठीक अछि ओरल रिड्यूस सॉल्ट ओरल रीअब्जॉर्ब सॉल्ट ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ओरल रिहाबिलिटेशन सॉल्ट ठीक अछि। तो ये पचार ओआरएस फुल फॉर्म कौन तो फुल फॉर्म कौन आपण माने जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी समस्ते पार्टिसिपेट करूँ आ कमेंट रे निश्चिंत राइट आंसर लिखूँ ठीक अच्छे। आदि भी जहाँ को राइट आंसर जाना ना वेट करूँ मु लास्ट को भिडर लास्ट को आपको कही रखी यार राइट आंसर कौन हम तार इमेज सह भी आपको देखे नेबी ठीक अच्छे। तो जमा भी व्यस्त होने वेट कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखी नियंतु 6 नंबर द नंबर ऑफ किडनी प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी ठीक अच्छे यहाँ भी गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आमर ह्यूमन बॉडी रे केतोटी किडनी अछि ठीक अछि एटा गोटे ऑर्गन ऊपर गोटे जिंस केतोटी अछि गोटे अछि किडनी ना दुईटी अछि किडनी ना तीनटी अछि किडनी ना चारटी अछि किडनी ठीक अछि। तो केतोटी किडनी हमर अछि ह्यूमन बॉडी रे देखिबा केते पिला मन को राइट आंसर जाना अछि कोन हमर राइट आंसर मन रखंतु किडनी अछि हमर दुईटा ठीक अछि लेफ्ट रे गोटे राइट रे गोटे बुझी परले। तो किडनी हमर केतरा अछि दुईटा अछि ठीक अछि मेनली सेटा कोन बीन शेप्ड ठीक अच्छे बीन सेप बीन मंजी आपण मैंने देखिथे बीम रो मंजी जो भाई सेप्र से सेप्र ठीक अच्छे मुझे इमेज देखदेवी जमा भी व्यस्त हाँ ना देखी निंतु जोटा कि आपंक रहा कौन देखो ये रहा किडनी देखो ये पूरा बीन सेप्र बीन मंजी जो भाई सेप्र सेप्र हो किडनी ठीक अच्छे दुईटा किडनी रहा देखो दुईटा किडनी रहा आपंकर लेफ्ट रे गोटे राइट रे गोटे ठीक अच्छे। तो दुईटा किडनी ओके मन रखिए। नेक्स्ट जीवा 7 नंबर 7 नंबर देखो ये भी गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नर्सिंग रो गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 7 नंबर द कलर ऑफ 18 गज आईवी कैनुला इज ठीक अच्छे कौन कही ना 18 गज आईवी कैनुला मान कौन आपण माने सुनिथिबे भेनफ्लोन, ठीक अछि। भेनफ्लोन जोटा कि कोन पेशेंट मानकर दिया जाए जेते बेले पेशेंट गोटे ज्वर होइछि झाड़ा होइछि ताकू जेते बेले किछि भी इंजेक्शन देबा गोटे सालाइन देबा देखिथिबे हातर गोटे लागि थाए गोटे भेनफ्लोन ताकू कहितांती ताकू आमे आईवी कानुला बदली मध्य कहिताउ, ठीक अछि। तो 18 गज तांकर सब साइज अछि, ठीक अछि। जेमति आपनकर चप्पल रे अछि 8 9 7 10 जेमति चप्पल रो साइज अछि सेहि बेले हेबे आईवी कानुला रे भी मध्य साइज अछि, सबुथिरे साइज अछि, ठीक अछि। तो 18 गज जो आमे कानुला दो बा आपनकर जो भेनफ्लोन दो तार कलर कोन, ओके, एटा भी आपनको जानिबार अछि, ठीक अछि। मु सब कहि देखिबे आपण माने मन रखिबे। तो 18 गज आईवी कानुला कलर कोन, रेड कलर ना ब्लू कलर ना ग्रीन कलर ना येलो कलर। तो मन रखंतु 18 गज कानुला रो कलर केमिति 18 गज रो होछि ग्रीन, ओके। मन रखंतु मु आपनको देखिदेबी इमेज जमा भी भूलिबेनी, ठीक अछि। स्क्रीनशॉट मारि रखिनेबे। तो देखिनेंतु देखंतु आपण देखिथिबे पेशेंट मानकर एबोली दिया जाय नै, एबोली दिया जाय ना नै आकु आमे कोन कहू भेनफ्लोन कहू बा आमे आईवी कानुला बोली कहिथाउ, ठीक अछि। आ ए जो उपरटा जदि ग्रीन अछि एटा 18 गज रो, ठीक अछि। एटा आपण माने अधिक भास्टली जानिबे आपण माने जेबे भी नर्सिंग को एंट्री करिवे एबे ओवरऑल टिका जानि थांतु, ठीक अछि। देखिनंतु एटी मु आपण को साइज आ कलर कहि रखिछि। देखंतु ऑरेंज आपण को आसीबो 14, ठीक अछि। ऑरेंज कलर कानुला रा साइज 14, ग्रे रो 16, व्हाइट रो 17, ग्रीन रो 18, पिंक रो 20, ब्लू रो 22, येलो रो 24, वायलेट रो बा पर्पल रो 26, ठीक अछि। तो मेनली हमें ए जो सब कानुला रहला बा आईवी कानुला रहला बा हमर भेनफ्लोन रहला हमें यूज करिथाउ, ठीक अछि। तो एटा आपण माने निश्चित सब मन रखिबे, ओके, स्क्रीनशॉट मारि रखिनेबे। तो नेक्स्ट जिबा 8 नंबर क्वेश्चन देखंतु कोन दैछि, व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स, ओके। तो को विटामिन अभाव रे को विटामिन डेफिशिएंट रे हमरो रिकेट्स हेताय। तो रिकेट्स माने कोन जदी जानि थिबे ना आपण राइट आंसर पूरा देई देबे, ठीक अछि। तो रिकेट्स रा माने कोन जदी जानि छथि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियंतु, ठीक अछि। तो रिकेट्स हमरो को विटामिन डेफिशिएंसी रे हेताय, विटामिन ए डेफिशिएंसी ना विटामिन सी डेफिशिएंसी ना विटामिन डी डेफिशिएंसी ना विटामिन के डेफिशिएंसी, ठीक अछि। तो को विटामिन डेफिशिएंसी रे हमरो रिकेट्स हेताय एटी आपण को कहिबार अछि, ठीक अछि। को विटामिन डेफिशिएंसी रे रिकेट्स हेताय जल्दी जल्दी राइट आंसर कमेंट रे करंतु, कमेंट रे लिखि नियंतु कि 8 नंबर क्वेश्चन हमर राइट आंसर हबो एटा, ठीक अछि। तो कोन हबो राइट आंसर, द राइट आंसर इज विटामिन डी। विटामिन डी को हमें कोन बोली कहू, दैट इज विटामिन डी अभाव रे, विटामिन डी अभाव रे हमें कोन हेताए जोटा कि कोन हेताए मेनली रिकेट्स हेताए। रिकेट्स कहले कोन ना बोन रो किछि भी प्रॉब्लम हुए, बोन जोटा कि हमर नॉर्मल बोन जो बळे स्ट्रांग थाए सेई भली रुहे नाही रिकेट्स रे वीक हे जाए आउ मेनली बंका हे जाए रिकेट्स रे, ठीक अछि। तो आपण माने गोटे कथा कहूची मन रखिबे, विटामिन डी अभाव रे आपण माने जेते सब डिजीज पाइबे जेते सब जहा भी सब प्रॉब्लम पाइबे मेनली एटा सब बोन रिलेटेड हेतिबो, ठीक अछि। विटामिन डी टा आ विटामिन ए टा भी आपण माने मन रखिबे, विटामिन ए टा सबले आई रिलेटेड हेतिबो, ठीक अछि। एटा आपण माने मन रखिबे जहा भी विटामिन ए डेफिशिएंसी रे आपण आसीबो देखिबे नाइट ब्लाइंडनेस आपण जिरोप्थालमिया ए सब आसीबो आई डेफिशिएंसी रे जोटा कि विटामिन ए अभाव रु हेताय। आ विटामिन डी अभाव रु जोटा कि आपण कहली जेते सब बोन रिलेटेड रिकेट्स हला आपण ऑस्टियोमालेसिया हला ए सब होइताय विटामिन डी अभाव रु, ठीक अछि। मन रहिबो विटामिन डी अभाव रु कोन हला रिकेट्स हला, ओके। तो आपण को देखे दोजी इमेज रे देखुतांतु देखो नॉर्मल बोन जो भाई आप स्ट्रंग थाए रिकेट्स रे किंतु देखो वीक हो जाए आ बंका हो जाए थाए, ठीक अच्छे। तो ठीक है रिकेट्स कौन और नॉर्मल बोन कौन। तो नेक्स्ट जी 9 नंबर विटामिन सी इज ऑल्सो नोन आज, ठीक अच्छे। तो विटामिन सी को आम आउ कौन बोली कही था, थायामिन एसिड कही था ना आस्कॉर्बिक एसिड कही था ना मिथाइल कोबालामिन एसिड कही था ना नॉन ऑफ द अबव, ठीक अच्छे। तो मुझे कही रखुच्छे गोटे कथा नर्सिंग को एंट्री कर मे भी एबे टिके टिके कष्ट लागुथिबो, ठीक अच्छे। ए सबू वार्ड है ए सबू टर्म है कष्ट लागुथ जमा भी कष्ट लगन आपन को आगु फ्यूचर रे, ठीक अच्छे। ए सबू जो आप थरो हो ना आपण मानक आउ एबीसीडी आपन कष्ट लगुच। तो सेमती ए नर्सिंग रु आपन फास्ट फास्ट कष्ट लगे एबीसीडी छोट पाला भी कष्ट लगुच। तो जिते बड़े आप नर्सिंग भितर को पशिजे ए सबू आपन को बहुत इजी, ठीक अच्छे। जमा भी डरबार ना नर्सिंग प्रोफेसन गोटे बहुत बड़ प्रोफेसन, ठीक अच्छे। आउ मते भी बहुत पिला माने मेसेज करछन्ती कमेंट करछन्ती मु बुझी पारुची कि सर सबु क्लास करंतु सबु क्लास मु जते कि क्लास करि पारुची करूची कारण मु ऑलरेडी ड्यूटी रहउची। तो मु ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर हिसाब रे पोस्टिंग रे अछि बुझी पारुछन्ती। फाइनाली कही रखुच्छी नर्सिंग अफिसर हिसाब से पोस्टिंग अच्छी मुझे जॉब करुच्ची तो सहित मुझे किछटा वीडियो बा किछटा इनफॉरमेशन किछटा क्वेश्चन देवाई चेष्टा करुच्ची किंतु मु सबुबे केवे भी पारिबि नाही। तो मु जेतिकी मु टाइम पाउची सेतिकरे मो पर्सनल लाइफ मो जॉब लाइफ को छाड़ी करे आपण पई किछटा आने पई चेष्टा करूची। ठीक अछि किंतु सबुबे पई मु कहूची जहाँ भी आपण माने जोड पढुछन पढंतु किंतु सेल्फ स्टडी करंतु। ठीक अछि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपण माने जानि छथि प्लस 2 पर पर आपण माने पास आउट तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रे आपण को की हरेबो तो एटा आपण माने भाबंतु। तापरे मेनली रहला नर्सिंग एप्टीट्यूड रे नर्सिंग रो टिके टिके ओभरऑल नॉलेज आपण को रहबा दरकार बुझि परछथि। ठीक अछि जीवा क्वेश्चन को जीवा विटामिन सी इज अल्सो नोन एज विटामिन सी को आम कौन बोली कहू विटामिन सी रो अदर ना कौन विटामिन सी रो अदर नेम होची आस्कॉर्बिक एसिड। ठीक अछि बुझी पारले विटामिन सी रो अदर ना होची आस्कॉर्बिक एसिड मेनली आम जो अँला खाऊ अमला खाऊ ए सबू रो मेनली आम विटामिन सी पाई था। ठीक अछि तो आपको देखे दूसरी देखो विटामिन सी को आम आस्कॉर्बिक एसिड कहले आ मेनली जोड़ा आम ऑरेंज है स्पिनाच है ब्रोकोली है ब्लैकबेरी है लेमन है मेनली खटा खटा जतियों जिते सब रहा आम से विटामिन सी पाई था। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट जावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर डायरिया इज मोस्टली स्प्रेड बाय। ठीक अच्छे तो डायरिया डायरियाटा कौटू स्प्रेड होता है। ठीक अच्छे माने जनक पाखु जन को माने गोटे लोक पाखु आउ गोटे लोक पाखु केमी स्प्रेड होता है केमी व्यापी थाए तो डायरिया आमर केमिति व्यापी थाए एयरबोर्न ना कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर ना वेक्टर बोर्न ना नन ऑफ द अबव। ठीक अच्छे तो डायरिया आमर केमिति व्यापी थाए एयरबोर्न माने आपणकर जो रहिला आपणकर कोन वायु द्वारा व्यापी थाए ना कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर ना माने माने मैला पानी आउ खाद्य द्वारा व्यापी थाए ना वेक्टर बोर्न ना आपको जो रहा मनकर मशा माछी आंक द्वारा व्यापी थाए। ठीक अच्छे तो डायरिया मेनली कहा द्वारा व्यापी थाए मन रखु दैट इज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर जिते आपण माने अपरिष्कार पानी पीबे माने जहाँ भी अपरिष्कार खाद्य खाइबे अधिक परिमाण डायरिया हेबार आपनकर चांस थाए। ठीक अछि जोटा कि स्प्रेड हेइताए अधिक परिमाण। ठीक अछि बुझी पारले तो एयरबोर्न कहले जोटा कि माने वायु द्वारा जोटा व्यापी थाए वायु द्वारा जमते व्यापी थाए आपनकर स्वाइन फ्लू होला आउ सब बहुत गुड़े अच्छी जोटा कि आपनकर कोविड देखिए कोविड भी मन कोविड तो ड्रॉपलेट द्वारा होता मेनली भी से एयरबोर्न भी मध्य जीव। ठीक अच्छे तो एयरबोर्न होची वायु द्वारा जो आम रोग व्यापी देन कंटामिनेटेड फूड और वाटर द्वारा किए बापुची दैट इज आमर बापुची डायरिया। ठीक अच्छे बुझी पारले आपण माने ओवरऑल टिके टिके नॉलेज रखंतु एते भी भितर को जीवा पई आपण माने एबे टिके टिके आपण को हार्ड लागिवो। ठीक अच्छे तो का द्वारा व्यापुची मेनली फूड आउ वाटर आउ भी मध्य अछि जोडा कि किछि पर्सनल मनकर जदि हाइजीन आपण माने भलसे मेंटेन करूनांती सेटा भी मध्य डायरिया आपण को व्यापीबो। ठीक अच्छे किंतु फूड आउ वाटर रे अधिक परिमाण डायरिया हेताए। ठीक अच्छे जोडा कि कंटामिनेटेड फूड भलो फूड रे व्यापीबोनी। ओके तो नेक्स्ट जीवा 11 नंबर देखंतु ये भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन द फ्यू इज योर ट्रीटमेंट ऑफ द फंक्शन एंड डिजॉर्डर। ठीक अच्छे तो जड़े फिजिशियन फिजिशियन मैंने आपको फिजिशियन आम प्रोफेशनली आम डॉक्टर भी कही था। ठीक अच्छे तो डॉक्टर जड़े फिजिशियन जी कि स्पेशलाइज जहाँ कि सबू जना क्या विषय में ना ट्रीटमेंट आउ फंक्शन ट्रीटमेंट आउ फंक्शन और डिजॉर्डर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम ठीक अच्छे यूरिनरी सिस्टम उपरे जहाँ भी नॉलेज जना जोटा कि अधिक परिमाण में जना बा सी विज्ञ से तो आम कौन कहवा। ठीक अच्छे से डॉक्टर को आम कौन कहवा पेडियाट्रिक्स कहवा ना साइकोलोजिस्ट कहवा ना गायनाकोलोजिस्ट कहवा ना यूरोलोजिस्ट कहवा तो कौन कहवा मन रखु जेहेतु यूरिनरी सिस्टम उपर सब जना आम यूरोलोजिस्ट कहवा। ओके यूरोलोजिस्ट बुझी पारले यूरोलोजिस्ट देखि नंतु यूरोलोजिस्ट आपको कहवा आम कारण से यूरिनरी सिस्टम उपर जानी सब किछि डिजॉर्डर हो फंक्शन हो ये सब जानी पेडियाट्रिक्स आपंक छोट पिला मानकर चिल्ड्रेन मानकर साइकोलोजी साइकोलोजिस्ट मन रखु साइकोलोजी जो मैंने मेनली साइकोलोजिकल प्रोब्लेम सब रहा कि सुसाइडल आपंकर टेंडेन्सी रोचे कि जन जड़े मैंने देखिए कि मेंटल डिप्रेशन रोचे मेंटली वीक अच्छा मेनली माने जोटा कि आपपारे पागल कहींपारे तो सेमती सबू जो माने जो मैंने जो डॉक्टर मैंने पढ़ी था विज्ञ था आम कहवा साइकोलोजिस्ट। ठीक अच्छे देन गायनाकोलोजिस्ट गायनाकोलोजिस्ट कहले जो मैंने कि रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उपर आपनकर मेनली से थर था रिप्रोडक्टिव सिस्टम उपर मेनली जो माने थरो थांती तांको आमे कोन कहबा दैट इज गायनाकोलोजिस्ट ठीक अछि। देन देखिबा यूरोलोजिस्ट जोटा कि हमर एठी हैला राइट आंसर जो डॉक्टर यूरिनरी सिस्टम उपर जहा भी डिसऑर्डर अछि फंक्शन अछि तांको उपर पडले तांको आमे कोन कहबा यूरोलोजिस्ट ठीक अछि। यूरिनरी सिस्टम उपर जो माने जानि छन तांको यूरोलोजिस्ट कहबा ठीक अछि। ए जो रहला वार्ड को मन रखिबे। तो नेक्स्ट जिबा 12 नंबर देखंतु 12 नंबर क्वेश्चन आपन कहबार अछि द फंक्शन ऑफ किडनी इज ठीक अछि। तो किडनी रा फंक्शन कोन एटा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किडनी रा फंक्शन कोन टू सप्लाई ब्लड सप्लाई करिवो ना टू सप्लाई ऑक्सीजन ना ऑक्सीजन सप्लाई करिवो ना टू फिल्टरेट ब्लड ना ब्लड को फिल्ट्रेशन करिवो ना नन ऑफ द अबव ना भीतर कोटा न हो। तो किडनी रा फंक्शन आ भीतर कोटा ठीक अछि। किडनी रा फंक्शन कोटा जल्दी जल्दी आपण माने राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करंतु। कमेंट द राइट आंसर जहां भी आपण माने जानछंती कमेंट रे लिखि दियंतु ठीक अछि। 12 नंबर क्वेश्चन आंसर एटा हबो बोली जमा भी वेट करंतु नै जो मान को भी राइट आंसर जाना नै मु आपण को राइट आंसर वीडियो रो लास्ट रे कहि रखिबी ठीक अछि। जमा भी व्यस्त होबा नै। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द कॉलर बोन इज नोन एज। तो हमें काहा को कॉलर बोन कहिथाउ ठीक अछि। फीमर को कहू ना रेडियस को कहू ना स्कापुला को कहू ना क्लाविकल को कहू। तो काहा को को बोन को आमे कॉलर बोन बोली कहिथाउ बा कॉलर बोन रो अन्य ना कोन ठीक अछि। मन रखंतु कॉलर बोन किए दैट इज हमरो क्लाविकल। क्लाविकल कोडा म आपन को देखि देबी जमा भी आपन माने व्यस्त होंदो नै ठीक अछि। क्लाविकल को मन रखंतु आमे कॉलर बोन बोली कहिथाउ ठीक अछि। क्लाविकल को आमे कॉलर बोन बोली कहिथाउ ठीक अछि। देखंतु इमेज टी क्लाविकल किए देखंतु एई जो हाड़ देखंतु हम बेकर मेनली जो हाड़टा जाई थाए एई जो हाड़टा को हमें कोन बोली कहू क्लाविकल को जाको हमें कोलार बोन बोली मधे जानि थाउ ठीक अछि। आपण मन को पूरा देखि दोजी बोन रे तो आपण माने देखिले एबे आपण को ओवरऑल देखि दोजी। देखंतु एई जो बोन बुझि पाछंती एई जो बोन को हमें क्लाविकल बोन बोली कहि थाउ ठीक अछि। मन रखिबे आपण माने निजे देखंतु आपण समस्तनकर क्लाविकल अछि ठीक अछि। तो आपण माने निजे देखि करी फील करि परिबे दैट इज योर क्लाविकल बा आपनकर कोलार बोन हम ताको कहि थाउ ठीक अछि। बा 14 नंबर फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी ठीक अछि। एटा मु जानि छी एटा आपन को कहितली थरे ईसीजी रो माने कोन आपन मान को तथापि आउ थरे आनि छी कारण सेतले टिके मेनली पिला माने टिके बुझी पान नथले। ईसीजी रो फुल फॉर्म कोन ऑप्शन देखि दो जी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राविटी ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ना एन्सेफालोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी रो फुल फॉर्म कोन दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ठीक अछि। मु केंतु गोटे वीडियो रे कहितली कोन ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ठीक अछि। कार्डियोग्राफी भी ठीक हबो किछि भी भूल हबनी पिला माने कहतले कि कार्डियोग्राम सर केंतु ग्राफी नो ठीक अछि। मु कहि रखुची कार्डियोग्राम जोटा कि हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो प्रोसीजर करू ताको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोली कहू ठीक अछि। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोली हम ताको कहिथाउ ठीक अछि। इलेक्ट्रोग्राम जो प्रोसीजर होउ छी ठीक अछि। तो जदि हमर ऑप्शन रे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देइची तो ताहले हो राइट आंसर किंतु जदि इलेक्ट्रो ऑप्शन रे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देई नाही ताले इलेक्ट्रोग्राफी हो भी राइट आंसर ओके। ए दिटा हे परिबो राइट आंसर किछि भी प्रॉब्लम नाही ठीक अछि। बुझी पारले तो देखि नेबे आपण माने ईसीजी जोटा कि हमर हार्ट रो जो सब रोहिला इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट केमिति कोन चालू जी तार फंक्शन भलो अछि कि नै ठीक अछि ना नै किछि प्रॉब्लम अछि ना नै से प्रोसीजर पय आपण को ईसीजी टी हेथाय ठीक अछि। आपण माने निश्चित देखि दिबे जानि थिबे। तो नेक्स्ट जिबा 15 नंबर द मदर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग इज ठीक अछि। एटा कहि जे आपण को सब बड पय इंपोर्टेंट आसीबो क्वेश्चन आसीबो आंको ऊपर क्वेश्चन 100% आपण को दि चारटा क्वेश्चन आसीबो ठीक अछि। तो द मदर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग किए मॉडर्न नर्सिंग रो मदर किए मदर टेरेसा ना इंदिरा गांधी ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल ना नन ऑफ द अबव ठीक अछि। तो मन रखंतु द मदर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग किए सबोल पई फ्लोरेंस नाइटिंगेल ठीक अछि। लेडी विथ द लैंप देन ए जहां भी मॉडर्न नर्सिंग ऊपर आसीबो मेनली आपण मानकर गोटे इंपोर्टेंट रोल आपण मानकर के क्रिएट करंदी जोटा कि हमर होला फ्लोरेंस नाइटिंगेल ठीक अछि। जोटा कि मॉडर्न नर्सिंग रो फाउंडर बुझी परले फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग लेडी विथ द लैंप आंकु सबु ए सबु सबु कहा जाय ठीक अछि। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जे कि 1820 मसिया रे जन्म ग्रहण करथिले ठीक अछि। आ आंकरी पई हमें नर्सेस डे सेलिब्रेशन करू ठीक अछि। मन रहबो निश्चिंत आपण मानकर। तो आपण मन को देखि दोजी जोटा कि देखंतु फ्लोरेंस नाइटिंगेल तांको इमेज टी मध्ये आपण पई रखी छी देखिनंतु फ्लोरेंस नाइटिंगेल एटा होची हमर मॉडर्न नर्सिंग रा फाउंडर ठीक अछि। भाबुजी आपण मानकर सब क्वेश्चन आपण माने मन रखिथिबे एटा थला लास्ट क्वेश्चन। तो हम एबे जिबा जो सब क्वेश्चन म आपण को देइथिली तार राइट आंसर कोन होबा आपण को कहि रखुची ठीक अछि। तो भिडियोटी केमी लगे आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आउ कही रखुच्छी आपने निजे निजे पढ़ाई चेष्टा करूँ जहाँ भी आपर आउ सब टॉपिक रहा ठीक अच्छे मुझे रखिली मुझे कौन पाई तो आपने जो देखुं भी देखूँ किसी असुविधा नहीं आपने निजे सेल्फ स्टडी करूँ आपर बहुत पिला क्वेश्चन आसी कि आम केवे एग्जाम हम ठीक अच्छे आपको से रिलेटेड गोटे भिडियो आपंप नहीं आसबे केवे एग्जाम हम कौन हम केमती कौन प्रोसीजर हम सब रिगार्डिंग आउ गोटे भिडियो में आपको डिस्कसन करेंगे ठीक अच्छे जमा भी व्यस्त होने तो फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस आपको गोटे क्वेश्चन थिला तार राइट आंसर कौन हम मन रखु ओआरएस रो फुल फॉर्म कौन ओराल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ठीक अच्छे जो आपंकर रिहाइड्रेशन आउ डिहाइड्रेशन ठीक अच्छे जितेबाला आमर डिहाइड्रेशन हो जाऊँगी डिहाइड्रेशन केमिति होउची ना फ्लूइड बॉडी रो फ्लूइड लॉस होउची ताको आमे डिहाइड्रेशन बोली कहू ठीक अच्छे डिहाइड्रेशन बॉडी रो किछि फ्लूइड लॉस होउची किछि हमरो इंजुरी हेची किछि हमरो अधिक परिमाण रे डायरिया होउची डिसेंट्री होउची स्टूल पास होउची अधिक परिमाण रे त हम कमे डायरिया कहितो बा हमरो डिहाइड्रेशन हेइथाय सेतिरो हमरो फ्लूइड लॉस हेची तो जितेबाला फ्लूइड लॉस होउची ताको आमे रिहाइड्रेशन रिहाइड्रेशन माने पुनर पुणी आउथरे ये करिया पई हाइड्रेशन करिया पई बॉडी को माने माने पानी भर्ती करने आम कौन करना ओआरएस दे था जोटा कि माने बॉडी को ड्राई करे न थाए बा बॉडी को माने शॉक को नहीं जाए न थाए ठीक अच्छे माने बॉडी रो जो रहिला फ्लूइड बैलेंस को बैलेंस करबा पई हमें ओआरएस दे था ठीक अच्छे छाड़ू एत कथा मुंड रखा दरकार नहीं ओआरएस रो फुल फॉर्म आपण माने मन रखंतु ओराल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ओके ओराल रिहाइड्रेशन सॉल्ट तार इमेज आपको देखी दौर देखुता तो देखो यहाँ हूँ तार इमेज देखो आपने पैकेट देखी ना देखी थे 100% ओराल रिहाइड्रेशन सॉल्ट यहाँ भी लिखाई ठीक अच्छे ओआरएस फुल फॉर्म कौन ओराल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन टी आपको कौन पचारे देखी ना 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कौन आपला 11 12 हाँ 12 नंबर क्वेश्चन था द फंक्शन ऑफ द किडनी ठीक अच्छे किडनी रा फंक्शन कौन पचारे तो किडनी रा फंक्शन कौन किडनी आमर कौन करे किडनी किडनी आमर ब्लड को फिल्ट्रेशन करे ठीक अच्छे बा जहाँ भी मैला रहा आम बॉडी रू काढ़ी थाए ठीक अच्छे यूरिन आकार रे मेनली काढ़ी थाए ठीक अच्छे तो यूरिन आकार रे मेनली काढ़ी थाए जोटा कि ब्लड को फिल्ट्रेशन करी थाए किडनी रो मेन फंक्शन है द फंक्शन ऑफ द किडनी इज कौन टू फिल्ट्रेट ब्लड ब्लड को जहाँ भी मैला अच्छी जहाँ भी सब अच्छी अलग करी थाए ठीक अच्छे टू फिल्ट्रेट द ब्लड कार फंक्शन किडनी रो फंक्शन ओके बुझीपारे देखे दूसरे आपको किडनी रो इमेज टी देखी निटा हूँ किडनी रो इमेज जोटा कि से मेनली कौन करता है ना ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है बा ब्लड को मेनली छाणी थाए ठीक अच्छे किडनी रो इमेज टी आपने देखी नेबे एटा हूँ आपंकर किडनी रो इमेज तो ठीक अच्छे आज आपत भिडियो था आपको भिडियो केमी लगी कमेंट सेक्शन में निश्चित कमेंट करूँ जहाँ भी डाउट अच्छी कमेंटर आपने पचारे आपर नर्सिंग किसी भी डाउट अच्छी आपर आज तो था आप लास्ट आपर जहाँ भी नर्सिंग रो अप्लाई रो लास्ट डेट था भावी समस्ते ठीक से अप्लाई करेंगे आ जो मैंने माइंड स्थिर कर अप्लाई कर जमा भी निजक के लाइफ छोट पाइबानी नर्सिंग गोटे गोल्डन प्रोफेशन आपने गोटे बहुत बड़ प्रोफेसन में पाद देवाक जाऊँच ठीक अच्छे निजक के छोट भावानी ठीक अच्छे बस ये अपडेट था जदि भी भिडियो भल लगी थो निश्चित आप सांग साथी सब ग्रुप भिडियो की बहुत परिमाण में शेयर करदे नर्सिंग उपर आपंकर ये जहाँ भी बेसिक सब रहा जिनस आपको जाना कथा आप निश्चित निजे निजे भी पढ़ी पारे ठीक अच्छे निजे निजे भी पढ़ू आउ जो भी आपने पढ़ा कथा पढ़ू ठीक अच्छे किसी भी असुविधा नहीं ता सहित आपको सेल्फ स्टडी 100% कराया पड़ो तो ठीक अच्छे जदि भिडियो भल लगी था भिडियो को गोटे लाइक आउ गोटे भैल्युएबल कमेंट करने जमा भूलें आप सांग साथी सब ग्रुप भिडियो को शेयर करेंगे तो ठीक अच्छे एतिकी वीडियो थिला आपन को नेक्स्ट देखा एमती गोटे इंटरेस्टिंग अपडेट वीडियो सहित तो आज पे रही जय जगन्नाथ।